हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है रमजान का डे 18, तो आज रमजान एपिसोड होगा 17। तो आज हम बनाने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज। माहिम की फेवरेट डिश है, माहिम दरगाह की तरफ से आ रही है एक डिश है, वो है अंडा रोटी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी रेसिपीज के लिए। तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरी वीडियो वॉच कर लेना। बाय। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स और अंडा रोटी। तो पहले हम अंडा रोटी बना रहे हैं। तो अंडा रोटी के लिए हमें कढ़ाई में ऑयल लेना पड़ेगा और जीरा डाल के मिर्च डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसमें अनियन डाल के सॉटे कर लेंगे। फिर उसमें हम कैप्सिकम डालेंगे यानी शिमला मिर्च डाल के उसको सॉटे करके फिर चिकन डालेंगे। फिर उसमें मसाले डालेंगे यानी नमक डालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, मेयोनीज डाल के हम इसको सॉटे करके साइड में निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक मैदे की रोटी लेंगे। मैदे की रोटी हमें मालूम है मैदे के आटा कैसे गूंदना है, जैसे गेहूं का आटा गूंदते वैसे मैदे का आटा गूंदना है। फिर यहाँ पर हमने मैदे की रोटी बना लिया, उसमें हम डाल रहे हैं अंडा फीट के, नमक डाल देंगे उसमें। फिर उसमें हम डालेंगे हमारा मिक्सचर जो बैटर था, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड आउट कर लेना है, ये देखिए। फिर इसमें हम ऑयल में तल लेंगे। ये देखिए हमारी अंडे की रोटी तैयार हो गई है। ये देखिए क्या ही बनी थी, आय हाय हाय हाय। ये देखिए मैं कट कर रहा हूँ, इतनी मजे की बनी थी ना, आपको क्या बताऊं मैं। फिर अब हम यहाँ पर हक्का नूडल्स बना रहे। तो हक्का नूडल्स के लिए हमें एक पैन में कढ़ाई में ऑयल लेना है। फिर उसमें चिलीज डालेंगे हम, ग्रीन चिलीज, फिर अनियन, फिर एग डालेंगे साइड में ही, उसको क्रम्बल्स बनाएंगे उसके ये लाइक दिस अच्छी तरीके से। फिर उसमें हम हमारे वेजीज डाल देंगे। हम यहाँ पर डाल रहे हैं कैबेज, कैप्सिकम, टमाटो। फिर उसमें हम डालेंगे नमक। फिर उसमें हम डालेंगे यहाँ पर शेजवान चटनी। फिर उसमें हम डालेंगे यहाँ पर क्या डालेंगे, टमाटो केचप एंड मेयोनीज। फिर नूडल्स डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे एक प्लेट में हम प्लेटिंग कर लेंगे इसकी, तो हम निकाल लेंगे इसमें साइड में। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे क्रिस्पी, हमारा नूडल्स मैंने तल लिया था एक ऑयल में थोड़ा सा, फिर उसको क्रिस्प करके ऊपर से डालेंगे। फिर यहाँ अंडा डालेंगे लाइक दिस, हमारा बन गया। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब।